हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल PEPL ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल के बारे में कि PEPL ऑटोमेशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल कैसा है। जब आप PEPL ऑटोमेशन से जुड़ोगे तो आपको किस तरीके का ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। आपको तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स की मेथड सिखाई जाएगी, बहुत अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ मेन पॉइंट्स है ट्रेनिंग के, कैटेगरीज है ट्रेनिंग की, कि आपको किस तरीके का नॉलेज दिया जाएगा, किस तरीके की ट्रेनिंग आपकी करवाई जाएगी PEPL ऑटोमेशन सर्विसेज और ट्रेनिंग सेंटर के जरिए। उसका हम एक बेसिक स्ट्रक्चर आज डिस्कस करेंगे ताकि आपको कुछ आइडिया आ जाए कि ट्रेनिंग मॉड्यूल कैसा रहेगा या ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल कैसा रहेगा PEPL ऑटोमेशन का। तो दोस्तों, ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल जानने से पहले हम PEPL ऑटोमेशन का कुछ इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों, PEPL ऑटोमेशन सर्विसेज और ट्रेनिंग सेंटर पिछले 15 सालों से अग्रणी है इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑटोमेशन इंडस्ट्री, मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री, PLC, रोबोटिक प्रोडक्शन प्रोसेस, प्लांट मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंट प्रोसेस, इन सभी बातों में PEPL ऑटोमेशन को एक्सपर्टनेस हासिल है। दोस्तों, PEPL ऑटोमेशन ये काम करता भी है और इसकी ट्रेनिंग करवाता भी है, और रेप्यूटेड कंपनीज में इन ट्रेनिंग्स के दम पर आपको अच्छी खासी जॉब भी दिलवाता है। तो दोस्तों, जुड़िए हमारे PEPL ऑटोमेशन के साथ और ज्वाइन कीजिए हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। PEPL ऑटोमेशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल रहेगा कि जॉब के वक्त आपको वर्क प्रोसेस कैसा होता है, अलग अलग कंपनियों में वर्क प्रोसेस कैसा होता है, जब कंपनी की कैटेगरी बदलती है तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बदलती है। तो दोस्तों, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल में वर्क प्रोसेस एट ए जॉब ये एक सिखाया जाएगा। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज की बेसिक्स पता आपको होना बहुत जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री में काम करने से पहले, ये भी आपको ट्रेनिंग के दौरान PEPL ऑटोमेशन सिखाएगा। दोस्तों, दूसरा है डॉक्यूमेंट प्रोसेस नॉलेज, डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस कैसी होती है इंडस्ट्री में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस में इंडस्ट्री के, ये भी आपको सिखाया जाएगा। इस पॉइंट के जरिए PEPL ऑटोमेशन नॉन टेक्निकल फील्ड के जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स है उनको भी अच्छा खासा नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो तीसरा पॉइंट था दोस्तों डॉक्यूमेंट प्रोसेस नॉलेज। दोस्तों, चौथा पॉइंट है मैनेजमेंट प्रोसेस नॉलेज। जो भी MBA के स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन्होंने मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है या फिर जो मैनेजमेंट फील्ड में काम करने में इंटरेस्टेड है, उन्हें PEPL ऑटोमेशन के जरिए ये सब सिखाया जाएगा। दोस्तों, मैनेजमेंट प्रोसेस नॉलेज भी आपको होना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री में काम करने से पहले, आपको इसकी थोड़ी बहुत आइडिया जरूर होनी चाहिए मैनेजमेंट प्रोसेस नॉलेज की, ये भी आपको PEPL ऑटोमेशन में सिखाया जाएगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एक्सपर्टाइज एट जॉब कॉन्टिनेंट। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते हैं काम करते वक्त किसी भी फील्ड में, ये भी आपको सिखाया जाएगा। इसकी भी ट्रेनिंग आपको PEPL ऑटोमेशन देगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है दोस्तों काम करते वक्त, तभी आप अपना काम परफेक्टनेस के साथ कर सकोगे। तो दोस्तों, ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एक पर्सन में होने ही चाहिए अगर उसे सक्सेसफुली और परफेक्टली काम करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल में हमारे इंक्लूडेड है। वर्क प्रोसेस एट जॉब, बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, डॉक्यूमेंट प्रोसेस नॉलेज, मैनेजमेंट प्रोसेस नॉलेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एक्सपर्टाइज एट जॉब कॉन्टिनेंट। दोस्तों, ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है जॉब पर, कि आपका जो भी जॉब रोल है इंडस्ट्री में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेशन स्किल में भी ट्रेन किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल एट जॉब रोल। उसके बाद वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एट जॉब प्रोफाइल, आपकी जो भी जॉब प्रोफाइल होगी इंडस्ट्री में उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी एक्सपर्ट करवाया जाता है, और आपको वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा किसी इंडस्ट्री में और क्या क्या इनकी कैटेगरीज रहेगी ये भी आपको बताया जाता है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद दोस्तों, हार्ड वर्किंग इन्वॉल्वमेंट एट वर्क कंटेंट, जो भी आपको वर्क सौंपा जाएगा उसमें हार्ड वर्क कैसे किया जाता है, हार्ड वर्किंग में कैसे इन्वॉल्वमेंट की जाती है, इसकी भी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है हमारा बेस्ट डेवलपमेंट स्किल एट वर्क प्रोफाइल, जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है उस वर्क में डेवलपमेंट करने के लिए आपको अपनी बेस्ट स्किल कैसे इंप्लीमेंट करनी है ये भी आपको सिखाया जाता है, और आपको आपकी बेस्ट स्किल कैसे डेवलप करनी है इसकी भी ट्रेनिंग आपको दी जाती है आपके वर्क प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए। दोस्तों, पांचवा सबसे मेन पॉइंट आपको सिखाया जाता है डेटा मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों, नाउडेज डेटा मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी हो गया है किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुली काम करने के लिए और ग्रोथ हासिल करने के लिए। दोस्तों, छठवा है कॉस्ट सेविंग एंड इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, कॉस्ट कैसे सेव किया जाता है
और इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी कैसे हासिल की जाती है इंडस्ट्री में, इसकी भी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है पीपीएल ऑटोमेशन के ट्रेनिंग मॉड्यूल में। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट्स थे, कम्युनिकेशन स्किल एट जॉब रोल, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एट जॉब प्रोफाइल, हार्ड वर्किंग इन्वॉल्वमेंट एट वर्क कंटेंट, बेस्ट डेवलपमेंट स्किल एट वर्क प्रोफाइल, डेटा मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट, कॉस्ट सेविंग एंड इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों आजकल इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें टेक्निकल फील्ड में स्पेशली, तो इंडस्ट्री किसी भी टाइप की हो उसमें इलेक्ट्रीशियन, मेंटेनेंस इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, टेक्नीशियन और रोबोटिक इंजीनियर की खासकर डिमांड होती ही है, रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल जो है पीपीएल ऑटोमेशन का भी कुछ ऐसा ही है। इससे ज्यादा भी वैरायटी आपको मिलेगी, लेकिन बेसिकली आपको इंडस्ट्री में इन्हीं की डिमांड ज्यादा होती है। तो आपको पीपीएल ऑटोमेशन इनकी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रीशियन की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस इंजीनियर की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, प्रोडक्शन इंजीनियर की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, टेक्नीशियन की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और रोबोटिक्स इंजीनियर की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इस तरीके से पीपीएल ऑटोमेशन सर्विसेज एंड ट्रेनिंग सेंटर आपको एक कंप्लीट स्किलफुल पर्सन बनाने में हेल्प करता है। तो दोस्तों अपने सुनहरे भविष्य के लिए और प्रॉपर गाइडेंस के लिए हमारे साथ जुड़िए। तो दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं और एक परफेक्ट स्किलफुल पर्सन बनना चाहते हैं किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पे पीपीएल ऑटोमेशन को संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा डिटेल हासिल करने के लिए। तो दोस्तों देर मत कीजिए, जुड़िए हमारे पीपीएल ऑटोमेशन के साथ और बनाइए अपना बेहतर भविष्य।